वेलकम बैक टू दी चैनल आकाश ऑन दिस साइड। कैसे हो सारे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 पेंटर्स की लिस्ट के बारे में जो आपको अंडर 5000 के मिल जाते हैं। सो यहाँ पर इन सभी प्रिंटर्स को जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने इनको पर्सनली एक एक बार दो दो बार यूज किया हुआ है। सो दैट्स इट, मैं इसीलिए आपको इन प्रिंटर्स को सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इनको मैंने खुद से यूज किया है। ताकि ये और बाकी प्रिंटर्स के मुकाबले में, अगर आप एक बजट प्रिंटर देखना चाहते हो तो उनके मुकाबले में काफी सस्ते प्रिंटर्स मिलते हैं और काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में मिलते हैं। सो नाउ वेलकम टू द जर्नी ऑफ टेक दैट यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस बैटल बाय सब्सक्राइबिंग टू द टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। करके देखो यार, अच्छा लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं पहले प्रिंटर की। कैनन का सबसे पहला प्रिंटर जो मैंने यूज किया था वो था, उसका मॉडल नंबर था कैनन पिक्समा E477। सो यहाँ पर इसमें जो प्रिंट क्वालिटी थी वो काफी अच्छी प्रिंट क्वालिटी थी। जो उस समय पर मेरे को पड़ा था ये 4500 के आसपास इसकी प्राइस रेंज थी, आज तो शायद इसकी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। सो इसमें हमें दो कार्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं, एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि ये मल्टी ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें हमें स्कैनिंग और प्रिंटिंग और फोटोकॉपियर, स्कैनिंग प्रिंटिंग फोटोकॉपियर, ये तीनों चीज हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज माय फेवरेट प्रिंटर, सो मैंने इसीलिए आपके लिए इसको सजेस्ट किया है। बाकी अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखो ये गूगल क्लाउड बेस्ड प्रिंटर है जहाँ पर वाईफाई से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। एंड अगर गूगल क्लाउड मान लीजिए अब जैसे बंद हो गया तो आप पिक्समा क्लाउड का इसमें यूज कर सकते हो। एंड यू नो कि क्लाउड बेस्ड प्रिंटर कितने अच्छे रहते हैं, हम 2-3-4 पीसी से एक साथ कनेक्ट करने के बाद में इजीली प्रिंट दे सकते हैं। सो वन प्रिंटर एंड सो मेनी वर्क्स। तो यहाँ पर अगर हम पेज साइज सपोर्ट देखें तो यहाँ पर A4, B5 एंड A5 एंड लेटर साइज के पेजेस को ये सपोर्ट करता है। मैक्सिमम इसका प्रिंट रेजोल्यूशन अगर हम बात करें तो वो है इसका 4800x600 DPI के अंदर, जो कि बहुत अच्छा प्रिंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें। वहीं पर अगर हम इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमें पड़ती है इसमें पर प्रिंट की 1.4 रुपीज के आसपास। काफी सही है यार, कम रेंज में कम पैसे का प्राइस पड़ रहा है, क्या दिक्कत है। अगर आप ऑफिस या फिर घर के लिए छोटा मोटा काम करना चाहते हो तो आप इस प्रिंटर को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप इससे 1200 प्रिंट इजीली प्रिंट कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन 1200 प्रिंट तक ये इजीली एक बार में रिफिल करने के बाद प्रिंट कर देता है। सो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रिंटर नंबर 2 की, जिसका नाम है HP-Z 32-2332 और एक और था 2335 के आसपास। ये दोनों प्रिंटर्स मैंने 3 बार खरीदे हैं तो आप समझ सकते हो किस कंडीशन में मैंने इनको खरीदा होगा, किस कदर इनसे काम किया होगा मैंने तब इनको खरीदा है। सो गाइस ये प्रिंटर काफी अच्छे प्रिंटर है, भले ही हमें लगता है ये बहुत छोटा है लेकिन 4000-4450 के मिड रेंज में अच्छे सही प्रिंटर मिल जाते हैं ये, ठीक है। वहीं पर अगर आप दूसरे प्रिंटर्स को देखोगे तो काफी महंगे रहते हैं और फीचर्स भी नो इतने देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो ये भी आपको तीनों ऑल इन वन चीजें इसमें मिल जाएंगी आपको इसमें, जैसे कि आप इससे प्रिंट दे सकते हो, कॉपी कर सकते हो एंड स्कैनिंग भी इसमें मिल जाता है। प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो आप इसमें ग्रे स्केल के साथ साथ कलर कॉपियर भी निकाल सकते हो एंड इसमें भी 2 कार्टेजेस लगती हैं, 1 ऑफ ब्लैक एंड अनदर कलर। अच्छा मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, HP का DeskJet 2335 जो प्रिंटर है मॉडल नंबर का, वो थोड़ा सा महंगा है लेकिन उसमें थोड़ी सी क्वालिटी भी इसके कंपैरिजन में अच्छी आती है और जो प्रिंट स्पीड है वो भी थोड़ी सी कम रहती है उसमें। बाकी अगर हम बात करें प्रिंट HP-Deskjet 2332 की तो इसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे हम, ये हैं इस प्रकार से, ऑल इन वन तीनों चीजें मिलती हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप कनेक्टिविटी देखोगे तो इसमें USB कनेक्शन मिलता है आपको 2.0 HP स्मार्ट पोर्ट ऐप के थ्रू, दैट मींस आप एंड्रॉइड फोन से भी प्रिंट कर सकते हो। सपोर्टेड पेज साइज A4, A5, B5 एंड लेटर पेज ऑल्सो सपोर्ट है। सो मैक्सिमम रिजोल्यूशन प्रिंट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर 1200x1200 DPI में यहाँ पर प्रिंट रिजोल्यूशन कर सकते हो, जो कि थोड़ा सही है। और प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पर प्रिंट का कॉस्ट पड़ने वाला है 1.65 रुपीज, ब्लैक का एंड कलर का यहाँ पर 5 रुपीज पड़ने वाला आपको। एंड दिस प्रिंटर वॉज माई फेवरेट बिकॉज इसको मैंने 3 साल तक चलाया यार। यू नो मेरी एक पुरानी वीडियो भी है जिसमें मैंने इसी प्रिंटर के अंदर एक जुगाड़ करी थी जिसमें टैंक नहीं आता है ना, वो टैंक मैंने ऐड करके दिखाया था। इफ यू वांट टू वॉच देन यू कैन क्लिक ऑन आई बटन, यू कैन ऑल्सो वॉच। इसी के साथ अगर हम थर्ड प्रिंटर की बात करें तो वो मिलता है हमें कैनन पिक्समा की सीरीज से TS
307 प्रिंटर। सो इस प्रिंटर में बेसिकली होता क्या है, ये काफी सस्ता प्रिंटर है जो आपको अंडर 3000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपको स्कैनिंग का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता, लेकिन बाकी ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर प्रिंट आप इससे कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आपको स्कैनिंग की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो आप यूज कर सकते हो इसको एज अ कलर प्रिंटर एंड एज अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। जैसे आपको कोई भी स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली आप प्रिंट देना चाहते हो 50, 100, 200, 1000, 2000, देन आप इसको परचेज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा कलर प्रिंटर है। यू कैन ऑल्सो परचेज इट आफ्टर लिसन स्पेसिफिकेशन, बिकॉज स्पेसिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फॉर एवरी वन। सो देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये खाली हमें इंकजेट प्रिंट ही दे सकता है। इसमें ना हम स्कैन कर सकते हैं और ना प्रिंट ही दे सकते हैं, बेसिकली ना हम इसमें स्कैन कर सकते हैं ना ही हम इससे फोटो कॉपी कर सकते हैं। कनेक्शन की बात करें तो इसमें हमें मिलता है यूएसबी 2.0 का एक पोर्ट, जिसको हम मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, और क्लाउड बेस्ड इसका सारा सिस्टम है। दैट मींस काफी अच्छी चीज है कि आपके ऑफिस में अगर 4-5 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और एक आपने कैनन पिक्समा का एक प्रिंटर रखा हुआ है, तो आप चारों पांचों पीसी या कंप्यूटर से एक प्रिंटर से प्रिंट लगा सकते हो, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। पेज साइज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको A4, A5, B5 एंड A6 आपको इसमें सपोर्टेड पेज मिल जाते हैं। बाकी अगर हम इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो कैनन का एक और जो पहले हमने देखा था उसकी तरह इसमें भी 4800x1200 dpi के आसपास इसमें प्रिंट क्वालिटी देखने को मिलती है। एंड प्रिंटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें इससे तो थोड़ी सी ज्यादा है बाकी सबसे, लेकिन हाँ काफी अच्छी क्वालिटी देता है। जैसे कि प्रिंट क्वालिटी अगर ब्लैक एंड व्हाइट देखोगे तो इसमें 7 rupees के आसपास इसमें मिलती है आपको, एंड कलर प्रिंट की बात करें तो 9 rupees के आसपास इसमें पड़ जाता है पर प्रिंट। जो 5th नंबर का प्रिंटर है ना, वो काफी अच्छा प्रिंटर है, तो आपको 5th नंबर के प्रिंटर तक रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। मे बी हो सकता है वो प्रिंटर आपके लिए ही बना हो, सो प्लीज डोंट स्किप वीडियो। तो अब बात कर लेते हैं HP डेस्क 12 प्रिंटर के बारे में। आपको पता होगा HP डेस्कजेट 12 प्रिंटर काफी अच्छा प्रिंटर है, जो कि हमें खाली प्रिंटिंग करने के मकसद से दिया जाता है। आई नो वेरी वेल, अगर आप ऑफिस के लिए लेना चाहते हो तो इस वाले प्रिंटर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऑफिस के लिए। अगर आप 500 पेज तक इससे प्रिंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये होम के लिए काफी अच्छा है, नॉट फॉर कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के लिए कंपनी का कहना है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इसमें आप 50-60 पेज से ज्यादा नहीं प्रिंट कर सकते इसलिए, और उसी हिसाब से इसका प्राइस रेंज भी है। ये आपको 3000 के आसपास मिल जाता है, जिसमें आपको ना ही कोई भी स्कैनर देखने के लिए मिलता है और ना ही इसमें आप फोटोकॉपी कर सकते हो। दैट मींस आप कलर प्रिंट एंड ग्रे स्केल प्रिंट कर सकते हो बस। और इसकी एक खास चीज और है, कार्टेज इसकी प्रिंटर से ज्यादा महंगी आती है, सबसे खास चीज यही है इस प्रिंटर में। बाकी अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यूएसबी 2.0 का जैक इसमें सपोर्टेड है, एंड पेज साइज सपोर्ट की बात करें तो A4, A5, B5, A6 सभी में सेम रहता है, यही इसमें सपोर्टेड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रेजोल्यूशन की, तो इसमें 4800x1200 dpi के आसपास इसका रेजोल्यूशन सपोर्टेड रहता है, एंड प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम है कैनन के कंपैरिजन में। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आपको मिलता है 6 rupees के आसपास पर प्रिंट, एंड कलर प्रिंटर की हम बात करें तो इसमें 8 rupees पर प्रिंट के आसपास आपको कलर प्रिंट मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम 5th प्रिंटर के बारे में, जो कैनन का प्रिंटर था पिक्समा सीरीज में, और काफी अच्छा प्रिंटर था। मैंने इसको भी 2 साल तक यूज किया था, और ये सच सच बताऊं मैं आपको तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रिंटर था। वो बात अलग है कि अभी इसको बोरे में भर के रखा हुआ है मैंने, और इसको तब तक रखूंगा जब तक है जान। अगर हम इसके मॉडल नंबर को देखें तो इसका मॉडल नंबर है कैनन पिक्समा E410 प्रिंटर, जिसमें आपको ऑल इन वन प्रिंट्स क्वालिटी देखने को मिलती है। आप इसमें स्कैन, कॉपी एंड प्रिंट तीनों चीजें एक साथ कर सकते हो, इसीलिए ये मेरा पर्सनली फेवरेट था। और इसमें एरर्स बहुत कम आते थे जब मैंने इसको यूज किया था, प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी थी कंपैरिजन टू अदर प्रिंटर्स। अगर हम इसके बात करें फीचर्स की, तो इसमें फीचर्स आपको मिलते हैं देखने को, अफोर्डेबल इंक मिल जाएगी इसमें आपको, एंड 2 cartridges मिलती है ऑब्वियसली, एक ब्लैक एंड व्हाइट एंड एक 3 colors। काफी कंफर्टेबल एंड लाइट वेट प्रिंटर है, ब्लैक कलर में ले सकते हो आप इसको, व्हाइट में ले सकते हो। कॉपी स्पीड की बात करें हम इसकी, तो आपको इसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्पीड मिलेगी 30 seconds में पर पेज, एंड वहीं पर अगर हम इसके कलर प्रिंट की बात करें तो 1.8 IPM के आसपास इसमें आपको मिल जाती है कलर प्रिंटर की स्पीड। और आपको इसमें कोई भी CISS टैंक अलग से नहीं मिलेगा, आपको उसी के अंदर सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम इसका प्रिंटिंग रेजोल्यूशन की बात करें तो हमें 4800x1200 dpi के आसपास इसका प्रिंटिंग रेजोल्यूशन मिल जाता है। स्कैनिंग डेप्थ की बात करें तो आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में कर सकते हो 16 bits से 8
बिट्स तक। एंड कलर बिट्स की बात करें तो आप इसमें कर सकते हो 48 बिट्स से 24 बिट्स तक। और अगर हम बात करें RGB की तो यहाँ पर आप कर सकते हो 16 बिट्स से 8 बिट्स तक। 3.4 kg के आसपास ये प्रिंटर मुझे काफी पसंद आया। आपको भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इफ यू वॉन्ट टू परचेज एनी प्रिंटर देन यू कैन चेक ऑन माई डिस्क्रिप्शन लिंक्स। आई विल गिव यू ऑल प्रिंटर्स लिंक, यू कैन परचेज फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। याद रखना अपने भाई को। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। उड़ने वाले होस्ट तेरे जैसे मैं कोई जादूगर, चुका है गेम ओवर तेरा कब का जादूगर। 4 दिन के हाइप पर मैं होता नहीं हूँ हाइपर।